आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ। मैं कह रहा था आप खाली हो? बता भाई क्या हुआ? नहीं खाली हो क्या? हाँ खाली हूँ, बता। यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है। क्या? आप खाली हो? समझा नहीं भाई। आप खाली हो ना? हाँ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी खाली बैठा रहता है, उलझुल उलझुल की बातें सोचता है, किसी के बारे में मन में जलन पैदा होती है, जिसके बारे में जलन पैदा होती है उससे फाइट करने का मन होता है। आवाज आ रही है? सुन रहा हूँ। हाँ, उससे फाइट करने का मन होता है। अब फाइट कर तो पाओगे नहीं, मन ही मन जलते रहोगे। ज्यादा जलन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, जान जा सकती है। और हेलो, और अगर उसी आदमी जिससे जल रहे हो उससे लड़ने का मौका मिल जाए तो हो सकता है तुम्हारी पिटाई हो जाए, और ज्यादा पिटाई हो जाए, सर पे घाव लग जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो खाली बैठे हो, जान जाने का कचरे कोई काम क्यों नहीं करते यार? हेलो हेलो, गलत मत बोलो, खाली हो, काम करो। हेलो, बात कर रहे? मैं सुरभि बात कर रही थी जी। ये नंबर आप यूज कर रहे हैं? मैं बड़ा भाई हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ वैसे उसके नाम पे। अच्छा, नंबर उसके नाम पे। हाँ। तो जो की बात की जो उससे करूँ? मुझे बता दीजिए, बता दूंगा। नहीं, यूज तो आप ही कर रहे हैं ना? हाँ। तो मैं आप ही को बोल देती हूँ। ठीक है। तो अभी खाली है? हाँ हूँ। क्या खाली है? हाँ, खाली बैठा हूँ, बताओ। तीन को बोले थे ना, खाली बैठेगा तो जान जा सकती है। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपको नमस्ते कहते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं। अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन, भाई मेरे से क्या चाहता है ये बता यार। बच्चे को स्कूल में कैसे डाले? स्कूल में अगर डाल भी दिया तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सलूशन आपके पास है? आप हैं फोन पे क्या मेरे से? सुन रहा हूं मैं। हाँ, तो हम बोलोगे तो लगेगा ना, वरना फोन कट गया या क्या है, पता ही नहीं चल रहा है। अरे बच्चे को लेकर आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि दिन भर स्ट्रगल करता है कि बच्चे को कोई अच्छी जिंदगी दे सके, उसे पढ़ा सके। बच्चे अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो माँ बाप की क्या गलती है? माँ बाप तो चाहते हैं ना उसे अच्छा भविष्य मिले। अरे ज्यादा क्या है, तो ये बताया, भविष्य मिले, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाम कमाएगा तो पैसे कमाएगा तो अपने लिए कमाएगा। माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं भाई साहब। बता दे, बता दे। माँ बाप ने कभी ऐसे बच्चों से क्या चाहा? बस उनकी भलाई चाहिए, लेकिन बच्चे पढ़ाई चाहते ही नहीं है। बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। क्या हो गया भाई साहब? अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, सॉरी, तो आप उसे राजस्थान भेजिए। क्यों? मैं बताता हूँ राजस्थान में क्या चीज कम पाई जाती है। पानी कम पाया जाता है वहाँ पे, वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। हाँ, बता। पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी। अरे बारिश से पढ़ने लिखने का क्या लेना देना यार? सुन तो लो, पेड़ कम हुए तो बारिश कम, बारिश कम हुए तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो गर्मी भी पड़ेगी। तो क्या सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, और डिग्री क्या हो गया? और डिग्री पड़ी 40 डिग्री 45 डिग्री 48 डिग्री 50 डिग्री। तो आपने पकड़ा नहीं, सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, डिग्री पड़ी। तो जब सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो उसे देख के बच्चा भी पड़ेगा, क्योंकि संगति का भाई साहब। लेकिन माँ बाप की मजबूरी बच्चे कहाँ समझते हैं आजकल? Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one, Morning number one, Morning number one, Morning number one. एक भाई साहब ने टॉपिक देते हुए कहा कि इम्तिहान जो होता है, एग्जाम जो होता है, वो अक्सर टीचर बच्चों का लिया करते हैं, लेकिन यही मौका अगर बच्चों को मिल जाए तो बच्चे किस हद को पार कर सकते हैं, ये बउआ ने टेस्ट किया। कैसे? ये देखो मजी लिए मैंने अंकिल की।
नमस्ते अंकित। नमस्ते, कौन जी? बहुआ बोल रहा हूँ। क्या काम है बता? दो मिनट होंगे आपके पास? किससे बात करनी है? मैं बता जी बोल रहे हैं। मैथ सिखाते हैं आप? गणित? हाँ सिखाता हूँ। बता। पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ बता, पढ़ाता हूँ मैं। और वो पढ़ते भी हैं? क्या है? मैं भी मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ। पापा ने बोला कोई अच्छा टीचर पकड़ ले। तो क्या मैं फोन पे पढ़ा दूँ तेरे को? नहीं फोन पे नहीं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको पापा से मिलाऊँ, मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ाने के लायक हैं या नहीं। ओ ना लायक, मेरी पढ़ाने के वो देख रहा है तू है? सुनिए, मैंने तीन चार सवाल है, अगर आप उसके जवाब देते तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आपको मैथ्स आती है। अबे गाली तुम मेरे सामने नहीं बात कर आपको मैं। अच्छा सॉरी अंकिल, गलती से फोन कट गया था। अबे गलती से फोन नहीं कटा मैंने। अच्छा कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तीन चार सवाल बता दो ना, पता चल जाएगा मैथ आती है नहीं आपको। अबे मन बस गाइड कर रहा है तू है। सॉरी, आप जवाब दे देते तो बात खत्म हो जाती है। जल्दी पूछो मेरी नहीं, तीन चार सवाल है ठीक है। पहला सवाल, अगर मेरे पास छह टॉफी हैं, मैंने दो इसको दे दी, तीन उसको दे दी और एक इसको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? मेरे पास तो एक भी नहीं बची। ऐसा नहीं है? फिर कैसा है? मैंने दो टॉफी पैंट में छुपा रखी थी, पॉकेट में, मैंने बताया नहीं। अगला सवाल, अगर मेरे पास चार टॉफी है और मेरे क्लास में एक लड़की है श्वेता, मैंने वो चार टॉफी अगर उसको दे दी तो मेरे को क्या मिला? नहीं सच्ची बताइए क्या मिला? कुछ नहीं। क्यों? मुझे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। अगला सवाल पूछ रहा हूँ, 80 और 90 कितने होते हैं? 170 होते हैं। बोल। नहीं 170 नहीं, गलत जवाब, 100 होते हैं। 100 कैसे होते हैं? अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80-90 फूटे। 170 कैसे? गलत बोल रहा हूँ। अब इसे मारने की बात कर रहे, मैं टीचर नहीं रखूंगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अबे मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ ना। बता। गलती से होते हैं। अबे गलती से तो हो गया। India's number one RJ Ronak ने बहुआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। मैं नमस्ते, कौन? कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। जानता हूँ कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनने फोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहे थे। हाँ बोल भाई, बोल जल्दी बोल यार, ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा, मैंने सोचा तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना। अच्छा, तो जो वजन की मशीन होती थी हाँ। उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो, तो वजन किसका थे? तो सुबह सुबह केले खाया कर रहा तू? तो केले खाया कर। और उसके लिए फोन ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कर रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आ। 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे। अच्छा, मैं घसीट घसीट के ला रहा था क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा, फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा, तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की आके खड़ी हो गई, और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की। कैसी लड़की? सुंदर थी, खूबसूरत खूबसूरत। वो उतरी मेरी तरफ देखते हुए, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों जेब में हाथ को डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है, आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं? मेरे मन में लड्डू फूटा। मैं गाड़ी में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही खूबसूरत बंगला था। अच्छा। बंगले के अंदर नौकर चाकर, मैं सोफे पे बैठा, वहाँ से 2 बच्चों का हाथ पकड़ते हुए लेडीज आई। अच्छा। वो कहती, ये मेरे बच्चे, धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को। मैं ना कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो।
ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। अब ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना, अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूं वहीं से आगे। गलत बोली ना, मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? वो लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर वैसे ही बहुत महंगे। बेटा तू भी जोक मार रहा है क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब गरीब ठीक है। गंदा मत बोल। फोन रख दे ठीक है। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बुआ बोल के। नमस्ते। हेलो अंकल जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। कौन? बाप लग रहे हो बेटा? बोल रहे हो? अबे तो कहते तो भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे। सॉरी। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन। ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं कह रहा था आपने गैलीलियो कलासनिको की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलासनिको? नहीं भाई हमने नहीं पढ़ी। पढ़ोगे भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। आ जाएगी तेजी आ जाएगी बेटे जैसे तू बात कर रहा है ना। एक आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उन्होंने लिखी नहीं है। अरे वैसे एक सेकंड आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं नहीं इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड आपने अल्बर्ट सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्बर्ट सत्तू? अब तो बोल दे उसने भी छपवाई होगी। नहीं नहीं उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी अपने घर पे रखी थी किसी को दी नहीं। आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? नहीं 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 उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। तो अपने घर में बांटती होगी? नहीं नहीं बहुत सारी बाहर भी थी। वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? एलेक्स निरंजन एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी। फिर तो क्या? फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। आगे डिग्री देख ले, तुम्हें तो फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था इंजीनियर बना पढ़ाऊंगा डिग्री पढ़िएगा। तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, मैं क्या करूं बता। एलेक्स निरंजन और तू भी चला जा चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। Oh my God, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बल्लो नमस्ते। एक भाई साहब ने टॉपिक देते हुए कहा कि इम्तिहान जो होता है, एग्जाम जो होता है, वो अक्सर टीचर बच्चों का लिया करते हैं। लेकिन यही मौका अगर बच्चों को मिल जाए तो बच्चे किस हद को पार कर सकते हैं, ये बहुआ ने टेस्ट किया। कैसे? ये देखो मजे लिए मैंने अंकिल के। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते। कौन जी? बहुआ बोल रहा हूँ। क्या काम है बता? 2 मिनट होंगे आपके पास? बात करती है बता। जी बोल रहे हैं, मैथ सिखाती हैं आप? गणित? हाँ सिखाता हूँ। बता। पढ़ाते हो बच्चों को? हाँ बता पढ़ाता हूँ मैं। और वो पढ़ते भी हैं? चाहता क्या है? मैं भी मैथ पढ़ना चाहता हूँ। पापा ने बोला कोई अच्छा टीचर पकड़ ले। तो मैं फोन पे पढ़ा दूँ तेरे को? नहीं फोन पे नहीं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको पापा से मिलाऊँ, मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ाने के लायक है या नहीं। मेरी पढ़ाने क्यों देख रहा है तू? सुनिए मेरी 3-4 सवाल है, अगर आप उसके जवाब दे दे तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आपको मैथ आती है। नहीं बात कर आपको। अच्छा
छोटी अंकल गलती से फोन कट गया था। कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तीन चार सवाल बता दो ना, पता चल जाएगा मैं था नहीं आपको। छोटी आप जवाब दे देते तो बात खत्म हो जाती है। हाँ जल्दी पूछो, मारे नहीं, तीन चार सवाल है ठीक है। पहला सवाल, अगर मेरे पास छह टॉफी हैं, मैंने दो इसको दे दी, तीन उसको दे दी और एक इसको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? ऐसा नहीं है, मैंने दो टॉफी पैंट में छुपा रखी थी पॉकेट में, मैंने बताया नहीं। अगला सवाल, अगर मेरे पास चार टॉफी है और मेरे क्लास में एक लड़की है श्वेता, मैंने वो चार टॉफी अगर उसको दे दी तो मेरे को क्या मिला? नहीं सच्ची बताइए, क्या मिला? कुछ नहीं, क्यों? मुझे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। अगला सवाल पूछ रहा हूँ, 80 और 90 कितने होते हैं? 170 होते हैं। नहीं, 170 नहीं, गलत जवाब, 100 होते हैं। 100 कैसे होते हैं? अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 फूटे। 170 कैसे? गलत बोल रहा हूँ। अभी से मारने की बात कर रही है, मैं टीचर नहीं रखूंगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अबे तेरे को नहीं पता? मैं बताता हूँ ना। बता। गलती से होते हैं। अबे गलती से तू हो गया। India's number one RJ Ronak ने बहुआ बनके आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो फिर बजाओ। नमस्कार, क्या हाल चाल है? किसी भाई साहब ने मेरे को टॉपिक दिया कि बताओ टीचर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है या इंजीनियर। मैंने कहा मैं फोन लगा के भाई साहब को यही समझाऊंगा, उनके मजे लूंगा। कैसे लिए? ऐसे। हेलो मम्मी, मैं आके बात कर लूंगा ना आपसे। हेलो, 2 मिनट दे दो, मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ, आप चिल्लाओ मत थोड़ा भी। हेलो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, आपका और पापा का रिश्ता हमेशा अमर सिंह रहे, सॉरी अमर रहे। हेलो, हाँ मम्मी, अभी आता हूँ ना मैं। अरे मम्मी किससे बात कर रही है, हमसे ही बात कर ले। ठीक है भाई। नमस्ते जी अंकिल। हेलो। हेलो, घर में इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे। तो हम जो हमारे पास फोन कर रही है, झगड़ा हो गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या झगड़ा हो गया?